हाय दोस्तों, आज एनकाउंटर करते हैं एम टू एम फेरी का। सवेरे पहुंच गए हम भावुचा धक्का। बच्चे बहुत खुश थे, गुड्डू तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी, उसको बताया नहीं था हमने। और ये बोट में जब एंट्री करती है कार, क्या लगता है, हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ह्यूज बोट, एटलीस्ट मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा बोट पहली बार देखा। और इनका स्टाइल देखिए, पार्किंग को भेजने का हमारा, देखिए कितना प्रोफेशनल है। अब ये मुट्ठी बंद करेगा, यानी कि ब्रेक लगाओ, इंजन स्टॉप। हम सब निकले पार्किंग लॉट से, सीधा पहुंचे अपर डेक। अपर डेक पहुंचकर तो और ज्यादा खुश, क्या व्यू था, इतना बड़ा बोट। ये बोट का साइज देखकर मेरे दिमाग में तो एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर ये बोट इतना बड़ा है तो टाइटैनिक कितना बड़ा होगा। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये लोग कार लोडिंग कर रहे थे। पहली बार देख रहे थे बोट को अनएंकर कैसे करते हैं। छोटी बहुत खुश थी। सच बोलूं तो इतने बड़े बोट में हम सभी पहली बार बैठे थे। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। और ये जो सीगल आ गए साथ में, अमेजिंग। कुछ लोग बोट से, मेरे ख्याल से कुछ खाने की चीज़ें फेंक रहे थे और ये सीगल्स उनको हवे में पकड़ रहे थे। अभी देखना, मैंने एक शूट किया है। ओ, अमेजिंग। कैफेटेरिया अंदर बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये पूरा सफर मुंबई टू मांडवा है, मेरे ख्याल से अलीबाग तक का 1 घंटे का सफर है, बट वर्थ है ये सफर। 1 घंटे में हम लोग अलीबाग पहुंच गए। बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से ये लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं गाड़ियों की, बहुत अच्छा लगता है देखकर। कुछ लोग जैसे पैदल भी आए हैं, कुछ लोग बाइक पे। एक बार मैं बाइक पे ज़रूर दोबारा इसमें ट्रैवल करूँगा। बाय बाय। बस ये सफ़र करके हम लोग अलीबाग बीच पे गए, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया और घर आ गए। घर आते वक्त हम गाड़ी से आए, वरना एक ऑप्शन है कि आप इसी फेरी से उसी दिन वापस भी जा सकते हो। आपको स्लॉट बुक करना है और वहाँ पहुँच जाना है।